दोस्तों, अगर आपने 365 डेज मूवी देखी है और 365 डेज अगर मूवी आपको अच्छी लगी है और उसी टाइप के कुछ मूवीज आप देखना चाहते हैं तो आज का काउंटडाउन आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे मूवीज के बारे में जो कि एक्चुअल में 365 डेज से भी ज्यादा बेटर हैं और ये सभी मूवीज अमेज़न पर अवेलेबल भी हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी मूवीज को आपको लीगली बाय करना पड़ेगा अमेज़न से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन्हें भी मूवी रिव्यू या फिर वेब सीरीज रिव्यू में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है वो प्लीज मेरे नए चैनल बापू निमजी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल में जाने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10, गर्ल्स टू बाय। मूवी बेस्ड है ड्रामा एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है किसी लड़की से जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर बनना चाहती है, लेकिन अमीर बनने के लिए वो कुछ उल्टा पुल्टा काम शुरू कर देती है। लेकिन लास्ट तक इस लड़की का अंजाम क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी रिलीज की गई है 2021 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5। नंबर 9, मैडम क्लियोड। मूवी बेस्ड है थ्रिलर एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है मैडम क्लाइड से जो कि एक्चुअल में एक क्लब चला रही होती है और उनके क्लब में बहुत सारे उल्टे पुल्टे धंधे भी हो रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी काम करना इतना आसान नहीं है, ठीक इसी तरह मैडम क्लाइड के लाइफ में भी बहुत सारी मुसीबतें आती हैं और उन मुसीबतों का वो किस तरह सामना करती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी को चाहे तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.4। नंबर 8, प्लेजर। मूवी बेस्ड है ड्रामा एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मूवी की कॉन्सेप्ट शुरू होती है बेला से और कंप्लीट मूवी में एक्चुअल में उनके ही काम के एक्सपीरियंस को दिखाने की कोशिश की जाएगी कि वो किस तरह पी एक्टर बनती है और लास्ट तक वो काम करती रहती है या फिर छोड़ देती है। मूवी रिलीज की गई है 2021 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.3। नंबर 7, डीप वाटर। मूवी बेस्ड है ड्रामा एंड साइकोलॉजिकल थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है कैसे कपल से जिसमें अचानक से ही पति को अपनी पत्नी पर शक होना शुरू हो जाता है और वो शक के कारण अपनी पत्नी के बेस्ट फ्रेंड को ही मार देता है और लास्ट तक पति का अंजाम क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी रिलीज की गई है Amazon प्राइम वीडियो पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.4। नंबर 6, द बेबी सीटर्स। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है कैसे बेबी सीटर से जो कि पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और उसकी हदें असल में क्या हैं ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी रिलीज की गई है 2007 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.6। नंबर 5, लेवाइस रोज। मूवी बेस्ड है कॉमेडी ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। मूवी के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मूवी की कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक पति पत्नी से, लेकिन उनके शादी को बहुत सारे साल बीत जाते हैं और वो एक दूसरे से प्यार ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। इसी बीच वो एक डॉक्टर का सहारा लेते हैं और लास्ट तक उन्हें प्यार फिर से चालू होता है या फिर नहीं होता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की गई है 2011 में और इस IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.1। नंबर 4, बेंडेटा। मूवी बेस्ड है ड्रामा एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी आपको ले जाती है 17th century जहां पर आप कुछ ऐसे नंस को देख पाएंगे जो कि अपने धर्म के विरुद्ध जाकर कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो कि एक्चुअल में उनके धर्म के विरुद्ध ही माना जाता है, लेकिन बाद में उन सभी नंस को किस तरह पीपल्स एक्सेप्ट करते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की गई है Amazon प्राइम वीडियो पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। नंबर 3, इफ आई कांट हैव लव आई वांट पावर। मूवी बेस्ड है थ्रिलर एंड हॉरर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी में आप देख पाएंगे एक ऐसी औरत को जो कि महारानी बनने के लिए सारी हदें पार कर देती है और लास्ट में वो महारानी बनती है या फिर नहीं बनती है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी रिलीज की गई है HBO पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.2। नंबर 2, स्कॉर्पियो नाइट पार्ट 3। मूवी बेस्ड है रोमांटिक ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो इस कंप्लीट मूवी में एक्चुअल में टीनेज लव स्टोरीज को ही दिखाने की कोशिश की जाएगी। मूवी को चाहे तो आप डायरेक्टली वीवा मैक्स पर देख सकते हैं और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.7। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे प्योरिफिकेशन। मूवी बेस्ड है रोमांटिक ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी में आप देख पाएंगे कुछ ऐसी महिलाओं को जो कि अपनी शुद्धिकरण करवाने के लिए एक पादरी के पास जाती है और वो उनकी शुद्धिकरण किस तरह करता है ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद पता चलने वाली है। मूवी को चाहे तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं वीवा मैक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा और इसी तरह की अमेजिंग अपडेट्स के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए।